हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है डेटा रोमिंग किस प्रकार से इनेबल एंड डिसेबल करते हैं वो बताऊंगी मैं आपको। और फ्रेंड्स, मेरे पास है इनफिनिक्स का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक कर देंगी। क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शन आएगा जो जियो 4G, तो आप उस पर क्लिक कर दें। अगर आपके सिम है तभी आपका डाटा रोमिंग इनेबल मतलब कि इनेबल कर सकते हैं एंड आप उस पर क्लिक कर देंगे। तब आपका इस प्रकार से इंटरफेस स्क्रॉल करें तब आपको यहाँ दिखेगा रोमिंग का ऑप्शन, तो इस प्रकार से ऑन होता है। ऑन करने पर आपका ये वाला ऑप्शन आएगा, तो ओके पे क्लिक कर देंगे और आपका ओपन हो जाता है ये डेटा रोमिंग। इस प्रकार से ये ऑफ होता है। जब ऑन करेंगे तब ओके का ऑप्शन आएगा, दोबारा से ओके ऑन हो चुका है, देख सकते हैं यानी इनेबल हो गया एंड इस प्रकार से डिसेबल हो जाता है, मतलब ये डिसेबल हो गया यानी कि ऑफ। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में डेटा रोमिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑन करना चाहेंगे तो आप ऑन कर सकते हैं, मैं ऑफ करके रखना चाहूँगी। और इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में डेटा रोमिंग का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक ही नमस्कार।